अच्छा पड़ोस मिल जाए तो खुदा का शुक्र अदा किया करो, और फिर मस्जिद का अगर पड़ोस मिल जाए सुबहान अल्लाह, दीन की फिजाओं में पड़ोस मिल जाए सुबहान अल्लाह, ऐसे मोहल्ले में मकान मिल जाए जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की तालीम का प्रचार हो, तो सुबहान अल्लाह क्या मुकद्दर वाले हो भाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक यहूदी रहता था, मकान बेचने लगा। एक खरीदार आया, क्या कीमत है भाई? कहने लगा 2000 दिनार। खरीदार कहता है भाई इस जैसा मकान तो इस इलाके में 1000 दिनार में मिलता है, आप 2000 किस चीज़ के मांग रहे हैं? वो कहने लगा पता मुझे भी है कि 1000 दिनार में इस जैसा मकान मिलता है, 2000 रेट वाकई ज़्यादा है, फिर मांग क्यों रहा है? कहने लगा मांग इसलिए रहा हूँ 1000 दिनार तो मकान का है और 1000 दिनार अब्दुल्ला बिन मुबारक के पड़ोस का है। मैं अगरचे मुसलमान नहीं लेकिन इसकी शराफत का, इसके अच्छे अखलाक का मैं कायल हूँ, इसको जानता हूँ ये कैसा इंसान है। तो मेरे भाई पड़ोस की कीमत बहुत बड़ी होती है। मस्जिद का पड़ोसी तो बड़ा खुशनसीब इंसान है, फिर भी मस्जिद में ना आए तो फिर बड़ा बदबخت है। अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह सबको साथी भी अच्छे नसीब फरमाए, सोहबतें भी अच्छी नसीब फरमाए, और अल्लाह पड़ोस यहाँ अच्छा नसीब फरमाए। इसलिए तो कुरान हमें दुआएं सिखा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं वल्हिकनी बिस्सालिहीन, और मोमिनों की दुआ का अल्लाह ने जिक्र किया वतवफ्फना मअल अबरार, कि अल्लाह नेक लोगों से हमें मिला दे, अल्लाह नेक लोगों के साथ मौत देना, इसलिए दुआ किया करो। अल्लाह ज़िंदगी भी नेक लोगों के साथ वाली नसीब फरमा, मौत भी नेक लोगों के साथ नसीब फरमा, और जन्नत में भी हमें नेक लोगों का साथ नसीब फरमा।